नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीके व्लॉग्स पे। तो भाई आज का दिन कुछ खुशनसीब है, कुछ हसीन है, कुछ प्यारा सा है, क्योंकि जगत भंडारी आज पैदा हुआ था भाई। ठीक है, और सारी कहानी शुरू करेंगे। फिलहाल ये 3 किलो आम, मम्मी कहती 100 किलो, 100 के 4 किलो मिल रहे हैं आजकल, हमको 3 किलो ही मिले, इसको 2 किलो मिले थे, लाया नहीं, 2.5 किलो, 1.5 किलो, बट अभी 3 किलो आम मिल गए हैं, क्योंकि मम्मी का व्रत है जिसमें आम खाने हैं मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ था। तो वो देखिए, फिर चलते हैं कहीं घूमने के लिए। घूमते या नहीं घूमते वो तो बात की बात है, बट व्लॉग बनेगा तो आगे चलेगा, बस नहीं चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, है कि नहीं। बट हैप्पी बर्थडे टू जगत भंडारी, और एक भाई का और बर्थडे वो भी दिखाएंगे। तो भाई एक एक्सीडेंट हो गया है और ये गाय को लग गई है चोट, स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ है, इसको चोट लग गई है, इसका पाँव टूट चुका है और तब से पड़ी है, इसके लिए गाड़ी मंगा रखी है। अभी हमारे गौसेवक हैं हमारे साथ में, काफ़ी सारे ललित भाई हैं, जगत भंडारी पवन भाई हैं, ठीक है, ये लोग सब हैं जो सेवा करते रहते हैं भाई। हम तो बहुत कम कर पाते हैं, बट ये है कि सबसे ज़्यादा लोग ये लगे रहते हैं, तो कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है तो इस तरह से उनको पहुँचा देते हैं। फिलहाल एक गौशाला में इनको ले जा रहे हैं, और मेरी नज़र में भी एक गौशाला दिमाग में आई थी कि सोच सकते हैं उस बारे में, तो हमारे फतेह भाई हैं वो बताएंगे हमको उस गौशाला के बारे में क्या वहाँ का प्रोसीजर है, क्योंकि वो 2200 एकड़ की गौशाला आज तक खाली पड़ी हुई है। मेरे मन में एक ख्याल आया तो मैंने सोचा कि ब्लॉग में डाल देते हैं। तो फतेह भाई अगर आप देख रहे हो वीडियो तो आप मुझे बताना क्या प्रोसेस है, किस तरह से हम वहाँ पे ये जितनी भी गायें हैं उनको वहाँ छोड़ सकें, ऐसा कुछ प्रोसेस बना सकें, क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, बहुत बड़ी जगह है, तो उस जगह पे अगर हम गायों को बचा देते हैं तो वहाँ आराम से कोई जंगली जानवर नहीं है, सब चीज़ से सेफ़ है, खाने को घास वास सब कुछ है वहाँ पर, तो मेरे ख्याल से वो जगह सबसे बेस्ट रहेगी। तो इस तरह से हेल्प करते रहिए और देख दाख के गाड़ी चलाएँ भाई, सबसे बड़ी बात तो ये कि देख के गाड़ी चलाएं, क्योंकि इनको लग जाए तो कोई देखने वाला नहीं होता, कुछ ही लोग होते हैं देखने वाले, इतने लोग आते हैं जाते हैं चले जाते हैं निकल जाते हैं, लेकिन कोई हेल्प नहीं करता। बट ये कोशिश करें कि आप लोग भी हेल्प कर पाएं। अभी गाड़ी बुलाई है, देखो कितने देर में गाड़ी आती है, चढ़ाते हैं इसको, फिर हम निकलेंगे आगे। तो गाय को चढ़ा दिया है, अब इलाज के लिए ले जाएंगे ये लोग कनकपुर साइड में या चकरपुर साइड में, जहाँ भी इनको लगेगा। बढ़िया कि फिलहाल ये बैठ गई आराम से, कुछ सेट कर रहे हैं, वो खून निकल रहा है, थोड़ा इधर को पुल कर दो, अब इधर को बैठा, आप उधर से पकड़ो, मैं ये लगा दें तो कंबल वहाँ को क्या उस पैर में तो पांव के साइड में वहाँ को धक्का दे रहे हो, पैर लग रहा है, लेटे रहने दो उसको, ये लगा दो उधर को, ये यार उसको पीछे करके बैठे तो बैठेगी, नहीं तो ये लगा दो, अरे ये लगा दो ना यार नीचे हल्का सा लगा, ये लगा दो, और उस देखो जिस पैर में ना उसको तो कुछ करना मत, उसमें अभी लग रहा है बार बार, घिस रहा है ना वो तो, और हड्डिया और घाव करेगा, और घाव करेगा, देखो उस पैर में मूवमेंट है, उस पैर को वहाँ भी उतारोगे ना बड़े प्यार, क्योंकि उस पैर जहाँ छूटा है ना बार बार वहाँ से अंदर, तो भाई मज़ा तो यही है यार, घूमने निकलो और ऐसे हरे भरे आपके सामने नज़ारे ना आए तो उसके बिना यार घूमना बेकार है। बहुत शानदार व्यू है, देखो जंगल का पूरा हरा भरा जंगल इस टाइम पे, सावन का महीना है मतलब बारिश का सीज़न है, और बहुत ही शानदार हरा भरा जंगल हो रखा है। तो आज के ब्लॉग में आपको यही दिखाएंगे, मर गया वो पहले, आज के ब्लॉग में आपको यही दिखाएंगे कि कैसा रहा हमारा जंगल आज का। और आपने देखा गाय का रेस्क्यू, तो थोड़ा सा मतलब देखभाल के चलाएं भाई, गलती तो इंसान की भी नहीं होती वैसे, बट देखभाल के चलानी चाहिए। ये है भाई हमारा एक ब्रिज जिसमें पानी रोका जाता है यहाँ से इस नदी के लिए, देखो पानी फुल है, बारिश से पूरा भरा हुआ है, और इसी के सहारे हम चलेंगे आज घूमने के लिए, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं और कहाँ रहती है हमारी विघन थेरेपी।
तो भाई फाइनली जंगल के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है और जंगल से लगे हुए गांव हैं जहां पे घूमते हैं आदमखोर शेर। और अब कोशिश तो नहीं है ऐसी कुछ, लेकिन बट देखो मौसम अच्छा है, क्या मालूम घूमता फिरता दिख जाए कोई भी शेर, ज़रूरी नहीं आदमखोरी हो, बट ये है कि हाँ देख सकता है। तो भैया मिस्टर जगत भंडारी ने फ़ोन कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में, जानते हैं आप उसको? हाँ सिरदा हो, सिरदा अपने दादा हुआ हो। अच्छा बात हुई थी सवेरे बर्थडे पे उसकी, मेरे को आज अच्छा बोला शाम को आना फिर तभी, मैंने कहा हाँ आऊंगा। फिर पार्टी वार्टी नहीं मांगी उसने? पार्टी मांगी है ना, फिर क्या तभी तो छह लोग लाए हो। अच्छा ओके ओके, तभी पीछे वाली गाड़ी उन्हीं के लिए लाया हो। अच्छा अच्छा समझ में आया, समझ गए, पीछे वाली गाड़ी उन्हीं के लिए ना, हम तो नहीं है ना, अभी हम नहीं है, हम तो मिल लेंगे, फोटो वोटो डालेंगे, सेल्फी वेल्फी की बात हो गई इनको दे देंगे हम, फिर घर आ जाएंगे। हाँ ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो भाई देख रहे हो सामने पूरा गंगोर जंगल और नदी पार पूरा जंगल जंगल है, और इस साइड पे देखेंगे तो साइड पे पूरा जंगल जंगल है। तो भाई ये है प्रॉपर टाइगर टेरिटरी जहाँ हम घूम रहे हैं और गाड़ी चल रही है हमारी, और कहीं इसी जगह पे कहीं रुकेंगे हम। एक दुकान आती है यहाँ पे और बहुत ही शानदार दुकान तो नहीं है खास, लेकिन बस ये है कि हाँ शानदार चाय बना देता है बंदा, शानदार चीज़ें बना देता है, तो फिर ठीक है, एक टर्निंग पॉइंट, अच्छा एक अच्छा पॉइंट लगता है कि वहाँ रुकने के लिए। तो भाई देख सकते हो पानी फुल लबालब आ रहा है बहुत शानदार तरीके से, और मौसम बहुत ही शानदार हो रहा है, तो मतलब मज़ा आने वाला है इस जगह पर, बहुत बढ़िया वाला, तो बहुत बढ़िया लेवल का मज़ा है और बहुत बढ़िया लेवल का मौसम है। देखो पानी कितना फुल है, ये देखो भाई क्या फुल पानी आ रखा बिल्कुल, और वो सामने टावर है, देखते हैं वहाँ चलते हैं, वहीं बैठेंगे, बहुत शानदार नज़ारा है। यहाँ पानी का फ्लो देखो ज़रा, और देखो कचड़ा भी है इस पानी में बहुत सारा, देखो भाई पानी का डेंजरस फ्लो, बहुत तगड़े तरीके से पानी आ रहा है सामने से, और हम जा रहे हैं सामने टावर में बहुत ही शानदार व्यू के लिए, और हिम्मत करते हुए चल रहा है मयंक जोशी आगे, सबसे आगे, सबसे आगे चल रहा है मयंक जोशी। देखो भैया बहुत हिम्मत है मयंक में, बहुत ज़्यादा हिम्मत है भैया बदने में, अरे भैया आगे आगे आ रहा है तो बताइए। शेर दाड़ा शेर, शेर की आवाज़ है, टाइगर की आवाज है, हाँ दूर है बहुत है, इसके नीचे हो रहा है पानी के नीचे। तो देखिए टाइगर टेरिटरी में पहुँच चुके हैं और बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है, तो यहाँ बैठने का मज़ा अलग ही आएगा, तो मतलब समझो वीकेंड थे भी। ये नल से हमने पानी भरा था भाई, देखो कैसा हो गया, पीला पीला हो गया पूरा पानी, उस टाइम तो अच्छा दिख रहा था, बेकार है पानी, और सब नदियाँ फूल है भाई। चलो भाई टावर पर चढ़ते हैं, आओ क्या कह रहे हैं, क्या बोल क्या मछली। तो भाई हमने इसी जगह इन्हीं जगहों पे तीन तीन चार चार टाइगर एक साथ देखे हैं, आपने ब्लॉग्स में देखा होगा पुराने वाले अपने, तो भाई है लोकेशन खतरनाक प्लस ब्यूटीफुल। देखो नदी यहाँ भी भरी हुई है, इस साइड से भी भरी हुई है, सामने टावर, ओ भयंकर ये कीड़ा देखो, वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत, ये देखो भाई कितना बड़ा है सेंटीपीड, गजब, कनखजूरा, कनखजूरा, और छोटे छोटे भी हैं भाई, ये नहीं होता कनखजूरा। तो ये आ गई भाई हमारी लोकेशन टावर जहां हम बैठेंगे ऊपर, बहुत ही बढ़िया एफिल टावर, एफिल टावर जंगल टावर, और यहां से पूरा जंगल का बहुत शानदार व्यू मिलता है, समझ सकते हो आप कि जंगल की खूबसूरती कितनी शानदार लेवल की है।
किस्मत में हो तो भाई टाइगर दिख जाएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, हम तो बैठने आए हैं, इंजॉय करने आए हैं। ये पूरी टाइगर ग्रास है और ये पूरा टाइगर का ग्राउंड है, यहाँ चार पांच टाइगर खेलते रहते हैं, क्रिकेट खेलते देखा है हमने कई बार। बता तो दे, मिस कॉल मार दे, यहीं खोल देते हैं। सिरदा को हमारा नेटवर्क नहीं है, तो कहीं होंगे यार, घूम रहे होंगे। तो आप देख रहे हो कितना शानदार व्यू है, तो इस व्यू में वेट करते हैं और बैठते हैं। बहुत बढ़िया, मयंक कर रहा है, देखो ये मयंक कर रहा है मुआयना जगह का कि कहीं से कोई खतरा तो नहीं है, कहीं से कुछ आ तो नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, अबल बैठते हैं, तुम भी एंजॉय करो भाई, टाइमलेस बनाएंगे, देखते हैं टाइमलेस बनेगा तो नहीं तो कोई बात नहीं, अगला पार्ट आएगा। बाद जंगल से वापस घर को जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ब्लॉग कितना रहेगा आगे उसका नहीं पता, फिलहाल जंगल से बाहर निकलते हैं और अगर बीच में कुछ जग दिख जाए तो दिखाने का तो बैठे ही हैं भाई, बट ऐसे दिखता नहीं है, जब उनका सीज़न होगा दिखने का तभी दिखेंगे। तो भाई घर पहुँच चुके हैं और घर पहुँच के ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है, आज प्रॉपर जंगल में घूमे हैं, बट शेर का कोई नामो निशान नहीं मिला अपने को, क्योंकि इस सीज़न में शेर नहीं दिखता है, सर्दियों में दिखता है जनरली, गर्मियों में पता नहीं क्यों नहीं दिखता, और उसे दिखता तो है लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं, बट जो भी है, बट जंगल घूमने में मज़ा आता है अपने को, जंगल घूमते हैं इसलिए, और ऐसे ब्लॉग आते रहेंगे आपके लिए, कैंपिंग ब्लॉग अच्छे खासे आ रहे हैं, बस कमेंट करो, शेयर करो, बताओ कैसे लग रहे हैं आपको ब्लॉग, और इस तरह से ब्लॉग आते रहेंगे। तब तक के लिए ब्लॉग को एंड करते हैं, जय हिंद जय भारत।